हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में फुल टू फुल सिग्मा के बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को। पिछले वीडियो में काफी ज्यादा डिमांड था, भाई सिग्मा के बारे में बताओ, सिग्मा के बारे में बताओ कितनी सैलरी दे रही है अभी के टाइम पे, और भाई काम का प्रेशर कैसा रहता है। तो भाई जितना भी मैंने खुद एक्सपीरियंस कराया सिग्मा कंपनी में, ठीक है, तकरीबन 4 से 5 महीने काम किया सिग्मा कंपनी में, ठीक है, A2 प्लांट में, जो कि पुणे चाकन पुणे महालुंगे के अंदर में, MIDC के अंदर में, ठीक है, A2 प्लांट, तो वहाँ पे काम किया। और एक्चुअली भाई जितने भी सारे सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है सिग्मा कंपनी के बारे में, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों से। एक बात कहना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग कुछ मत करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये न्यू चैनल है, उस चैनल पे मेरा ब्लॉग डालता रहता हूँ, तो उस चैनल पे जॉब से रिलेटेड वीडियो डालने का मन ही नहीं करता यार, क्योंकि वो चैनल मेरा एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं बनाता हूँ, मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि कौन सा वीडियो में कितना ज्यादा डॉलर वॉलर देता है, ऐसा कुछ करके सीन, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में ही मैं छोटे मोटे अपडेट्स देता रहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में बजाज इलेक्ट्रिक के बारे में आने वाला है, क्योंकि मेरा पिछला जो दोस्त का पेमेंट आया ना भाई, देख के आप लोगों के आंखें जो है ना ऐसे हो जाएंगे, शॉक शॉक। तो चलो सीधा का सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं सिग्मा कंपनी के बारे में। तो भाई बात करते सीधा का सीधा मुद्दे पे कि एक्चुअली मतलब सिग्मा कंपनी कैसी है क्या। भाई बंदे ने कमेंट किया था टेलीग्राम में, पूछा था भाई वहां पे प्रेशर रहता है क्या काम का। तो भाई देखो, प्रेशर काम का नहीं रहता, लेकिन हाँ सुपरवाइजर लोग जो है ना प्रेशर डाल देते हैं काम का। यस, कितना भी काम नॉर्मल क्यों ना रहे, कितना भी काम अच्छा क्यों ना रहे, लेकिन भाई इतने प्रेशर में वो लोग आएंगे हर घंटे घंटे पे आके आपको टॉर्चर करेंगे, जल्दी करो, भाई ऐसा सीन है वहाँ पे। सारे सुपरवाइजर का नहीं, इसमें सारे सुपरवाइजर को मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे सुपरवाइजर अच्छे भी है, लेकिन 2-3 सुपरवाइजर ज़्यादा नहीं, हद से 3 निकलेगा यार, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा, हर घंटे हर आधे आधे घंटे में आके आपको प्रेशर करेंगे, भाई ये क्या सिस्टम है। लेकिन ना उसका कंप्लेंट भी करने पे आपको आराम से भी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन मैंने कंप्लेंट नहीं किया था, क्योंकि मैं क्या कंप्लेंट करना है यार, साला उसी लाइन पे काम करना है, उसी सुपरवाइजर का मुंह देखना है, इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं किया, ठीक है। तो आप लोग देख लेना जो भी एडजस्ट है। तो भाई मैं फिर से बता देता हूँ, काम का प्रेशर नहीं रहता। अगर काम करने वाले बंदे रहोगे तो काम का प्रेशर नहीं रहता है, अगर आप टाइम पास करने वाले बंदे हो तो भाई आपको छोटा छोटा काम भी प्रेशर लगने लगेगा। काम का प्रेशर नहीं रहता, सुपरवाइजर का प्रेशर रहता है। सुपरवाइजर का प्रेशर इतना रहता है कि भाई उससे अच्छा सिग्मा कंपनी के गार्ड लोग है, जो कम से कम रिस्पेक्ट से बात करते हैं, कोई भी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। और भाई ये पढ़े लिखे सुपरवाइजर हम इंजीनियर्स को यार कुछ वैल्यू ही नहीं देते। हम इंजीनियर्स ना गाइस, डिप्लोमा इंजीनियर DET समझ रहे हो, तो इंजीनियर्स को कुछ वैल्यू नहीं देते भाई। पढ़े लिखे यार, एक पढ़े लिखे दूसरे पढ़े लिखे को रिस्पेक्ट करोगे, यही सोच के मैं सिग्मा कंपनी में आया था, सच बता रहा हूँ यार, यही सोच के आया था। अदरवाइज सिग्मा कंपनी से भी अच्छी अच्छी सैलरी मिलता है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कितना सैलरी मिलता है। और दूसरी चीज मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि भाई मैंने DET ट्रेनिंग में मैंने डिप्लोमा करके गया, बहुत सारे डिप्लोमा गए, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया सैलरी किसका ज़्यादा मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट वालों को मिलता है या फिर डिप्लोमा वालों को मिलता है। भाई मेरे को तो लगता है PF कट के जितना उसको मिलता है ना, हमारा विदाउट PF कट के सेम मिलता है, सेम गाइस सेम। उनका OT 150 रुपये घंटा, हमारा OT 50 रुपये घंटा, पढ़े लिखे लोगों का 50 रुपये घंटा, जो कि 2-3 लाख खर्चा करके पढ़ के गए हैं, उनका 50 रुपये घंटा, और दूसरे का जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो ज़्यादा खर्चा करके नहीं गए, मैं सबको बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में सबको ले लेता है, आधार कार्ड से भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, मतलब समझ लो आधार कार्ड से भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, मतलब समझ लो, ठीक है, उनका 150 रुपये घंटा, अब हमारा कितना है 50 रुपये घंटे। तो चलो गाइस आप लोग को मैं ये भी बता दिया। अब बात करते हैं वैकेंसी की, वैकेंसी वहाँ पे ना चलता रहता है, आप लोग जाके एक बार सीधा का सीधा सिग्मा A2 प्लांट या फिर A1 प्लांट या फिर A4 भी, जहाँ भी आपको नज़दीक लगे वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो और वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। और सैलरी अप्रोक्स यार न्यू बंदों का मैं बोल रहा हूँ, न्यू बंदों का तो स्टार्टिंग ही होता है 15,000 15,400 से स्टार्टिंग ही होता है, सब कुछ कट वट के आता है। मैं अपना एक दोस्त का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, ठीक है, जून मंथ का कितने दिन का आया है। और आप लोगों को जो है ना, अगर DET में जाओगे तो आपको एक लीव का हर महीने 1.2 का लीव देखने को मिल जाएगा, मतलब आप छुट्टी ले सकते हो, पैसे उसमें मतलब मिल जाएंगे पैसे, आप अगर लीव डाल दोगे तो पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा तीसरा क्या है, आपको अपरॉन भी फ्री में मिल जाएगा, जूता भी फ्री में मिल जाएगा, सेफ्टी शू फ्री में मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा। अब बात करते सबसे ज़्यादा कि यार किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो सेफ्टी कितना है। भाई मैं अगर सिग्मा कंपनी को सेफ्टी में रेटिंग दूंगा ना, तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर सेफ्टी रेटिंग दूंगा तो भाई
पांच में से मैं 10 दूंगा भाई, 5 में एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दूंगा भाई। सेफ्टी सेफ्टी रेटिंग गॉड लेवल है यार, सच बता रहा हूँ एकदम। तो मुझे सबसे बढ़िया लगा सेफ्टी रेटिंग में। अगर आपका सुपरवाइजर अगर सेफ्टी कुछ प्रोवाइड नहीं करवाता है तो आप खड़े रहो, अगर वो काम करने बोले भी ना, अगर आप काम नहीं करोगे ना फिर भी सुपरवाइजर का औकात नहीं कि आपसे जबरदस्ती काम करवाए। अगर सेफ्टी ऑफिसर आता है, अगर सेफ्टी ऑफिसर अगर कुछ देखता है ना आपको कि मतलब कोई सेफ्टी आप नहीं पहने, जैसे ग्लव्स, चश्मा, सेफ्टी शू, तो भाई सुपरवाइजर की भी औकात नहीं है कि सेफ्टी वाले के सामने कुछ बोल सके। भाई फाड़ कर रख देगा सेफ्टी वाले सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर के साथ साथ भी तुम्हें भी, ठीक है। ऐसा सीन हो चुका है। तो भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लगा सेफ्टी के मामले में, एक ही चीज़ लगा यार सेफ्टी के मामले में और साफ सफाई के मामले में। और मैं एक छोटा सा मैंने नोटिस किया, मैं विश्वास नहीं करोगे भाई, जब भी ऑडिट होने वाला रहता है ना, पता नहीं यार सुपरवाइजर का क्यों मुंह लटक जाता है। भाई अगर तुम अच्छे हो, तुम्हारे पास कोई गलती नहीं की हो, तुम गलती नहीं की हो, तुम अच्छे से काम कर रहे हो, तो भाई ऑडिट वालों से क्या डरना यार, मेरे को ये बात समझ में आती है। ऑडिट वालों से क्या डरना, तुमने अपना लाइन क्लियर रखा है, साफ सफाई रखा है, तो भाई डरने की क्या बात है। जब हमने कुछ गलती किया ही नहीं तो फिर डरने का क्यों ऑडिट वालों से। भाई इतने ज़्यादा डरेंगे गाइस, इतना ज़्यादा डरेंगे माँ कसम गाइस, कहीं इधर उधर छुपते फिरते हैं भाई। सारे सुपरवाइजर की बात नहीं करता, कुछ कुछ सुपरवाइजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पे भी आप लोग समझ गए। तो भाई एक लाइन में बोलूँगा, ज़्यादा आप लोग का भी माता पिता टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सिग्मा कंपनी अच्छी कंपनी है और सिग्मा कंपनी अच्छी कंपनी है, आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में एचआर का नंबर दे दूँगा, ठीक है, अपने A2 का एचआर का नंबर दे दूँगा, तो आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना। जितना भी सारा कुछ था यार, पहले मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया था, ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने बताया कि वहाँ पे मैंने बहुत कुछ और भी फेस किया, बट मैं इस वीडियो में कुछ ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। अगर आप लोगों को जानना है तो भाई टेलीग्राम में आ जाना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग आ जाना और नेक्स्ट वीडियो वेट करना। और इस चैनल पे जॉब से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। मैंने पर्सनली इस चैनल को जॉब से रिलेटेड ही बनाने वीडियो बनाने के लिए मैंने ये चैनल को ओपन किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड जाओ यार सारे के सारे सिग्मा वाले वीडियो देख के आओ मेरे चेगरो YT ब्लॉग में। आपको ये जो कंपनी है ना, थोड़ा सा भी अगर रिस्पेक्ट बचा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट बचा है, अगर थोड़ा सा भी प्रेशर अभी तक इस कंपनी में नहीं आया है, सारे के सारे ये जो है ना परमानेंट वालों के कारण। परमानेंट वाले जब तक सिग्मा में कंपनी में है तब तक भाई ठीक ठाक चलेगा। जिस दिन ये सारे के सारे परमानेंट वाले सारे के सारे हट गए कंपनी से, मतलब रिटायरमेंट हो गए भाई, उस दिन सिग्मा कंपनी का जो है ना, मतलब समझ लो सिग्मा कंपनी का नहीं गए, सिग्मा कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स का वाट लग जाएंगे, सच बता रहा हूँ वाट लग जाएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी परमानेंट है इसीलिए सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, जिस दिन परमानेंट गया उस दिन सारे के सारे सिस्टम भाड़ में चल जाएंगे मेरे ख्याल से यार, और दूसरी कंपनी की तरह। यस मैं ये बोल रहा हूँ।